तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने इस परिवार सीएचएस के नंबर वन प्लेटफॉर्म सीएचएस स्टडी कैपिटल पर। सीएचएस बीएचयू 2024 का एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो चुका है। पहला पेपर क्लास नाइन्थ का है, उसके बाद क्लास इलेवेंथ के पेपर शुरू हो रहे हैं। इस बीच स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर हम बनारस में आ रहे हैं और बनारस में ही आपका ऑफलाइन सेंटर है, तो हमें एक मॉक टेस्ट करा दीजिए ऑफलाइन तौर पर, जिसके माध्यम से हम एग्ज़ाम से पहले एक बेहतरीन प्रैक्टिस कर लें और साथ में किस तरीके से पेपर दिया जाता है एग्ज़ाम का एक इन्वायरमेंट हमें मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका वही अनाउंसमेंट आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। आपकी डिमांड हम पूरी कर रहे हैं सीएचएस 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, किस तरीके से आपको कहां पर टेस्ट देना है और क्या उसका रजिस्ट्रेशन लिंक है, सब कुछ बताऊंगा। क्लास 11th मैथ्स बायो आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी के लिए। 9th के स्टूडेंट्स के लिए हम नहीं कर पाए, लेकिन लगातार डिमांड 11th के लिए बहुत ज़्यादा आई, तो हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए करना शुरू कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल सीएचएस स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। यहां पर आपको सीएचएस की तैयारी के साथ साथ सीएचएस की सारी अपडेट समय पर और सही अपडेट पहुंचाई जाती है। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मैंने शेड्यूल रखा है कि आपका ऑफलाइन टेस्ट मॉक टेस्ट कब होगा, और साथ में उसके बाद मैं डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से इसको ज्वाइन करना है। सबसे पहला जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट है वो आज यानी 29 अप्रैल शाम 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, जिस तरीके से सीएचएस का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसी तरीके से ऑफलाइन मॉक टेस्ट होगा स्टडी कैपिटल एकेडमी पर। ऑफलाइन मॉक टेस्ट है यानी आपके हर एक टेस्ट के एग्जाम से एक दिन पहले यानी जस्ट पहले वाली शाम को आपका टेस्ट होगा। जैसे मैथ्स के स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो 30 अप्रैल को है, तो 29 अप्रैल को आप सभी बनारस आ जाएंगे, तो 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप टेस्ट दे सकते हैं ऑफलाइन। और ये टेस्ट कहाँ होगा, तो हमारा स्टडी कैपिटल एकेडमी जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पर। इसका पूरा लोकेशन क्या है समझ लीजिए, बिहाइंड V2 मॉल लंका वाराणसी, यानी BHU गेट के पास में ही V2 मॉल है। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा गूगल कर लीजिएगा। V2 मॉल के जस्ट पीछे हमारी एकेडमी है, आप थोड़ा सा उससे 100 मीटर अंदर आएंगे तो आपको एकेडमी मिल जाएगी। ऊपर बैनर भी लगा हुआ है स्टडी कैपिटल एकेडमी करके, तो आप आएंगे आपको पूरा स्टडी कैपिटल का बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज गूगल मैप सबके पास है, आप स्टडी कैपिटल एकेडमी सर्च करके आराम से पहुंच सकते हो। फिर दूसरा जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट है वो है क्लास 11th बायो स्ट्रीम के सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो 30 अप्रैल को रखा गया है, क्योंकि इसके जस्ट अगले दिन बायो का एग्जाम है, तो उसके एक शाम पहले शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप बायो का एंट्रेंस दे आपका टेस्ट देंगे। वो भी कहां है, तो स्टडी कैपिटल एकेडमी, जो मैंने लोकेशन मैथ्स के लिए बताया वही बायो के लिए भी। इसी तरीके से जो क्लास 11th आर्ट्स का एग्जाम है वो 2 मई को है, इसलिए हम टेस्ट 1 मई शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में रख रहे हैं स्टडी कैपिटल एकेडमी बिहाइंड V2 मॉल BHU। और ये आपके कंप्लीट पैटर्न पर होगा, जितना समय आपको सीएचएस देता है, जिस तरीके का पेपर आपको सीएचएस देता है वैसा ही प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे। एंट्रेंस से पहले एंट्रेंस की तैयारी एकदम आपके साथ होगी। उसके बाद कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके भी एग्जाम से एक दिन पहले 2 मई शाम 4 से 6 बजे के बीच में हमारी एकेडमी पर। अब जानते हैं प्रोसीजर क्या है इसको ज्वाइन करने का, क्योंकि मैंने बता दिया आपको आना तो वहां है लेकिन इसका एक प्रोसीजर है ज्वाइन करने का, उस प्रोसीजर को पहले फॉलो करना होगा तभी आप उस टेस्ट में जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमें पहले से पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स उस टेस्ट को देने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट पेपर्स तैयार करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम OMR शीट तैयार करेंगे, सारी प्रिपरेशन हमें करनी होती है। तो चलिए जानते हैं इस चीज को। इस बीच में आपको यह भी बता देता हूं कि मिलन समारोह सीएचएस स्टडी कैपिटल के सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन जुड़ते हैं हमारे साथ वो ऑफलाइन हमसे मिल सकते हैं। आपका एग्जाम जिस भी दिन होगा उस दिन 10 से 10:30 के बीच में VTBHU पर, और उसके बाद शाम समय 11 बजे से यानी सुबह और दोपहर जो समझ लीजिए 11 बजे से आप स्टडी कैपिटल अकेडमी हमारे यहाँ मिल सकते हैं। आपके एग्जाम के दिन की मैं ये बात कह रहा हूँ, हर एक एग्जाम के दिन। ठीक, अब समझिए कि किस तरीके से आपको यहां पर टेस्ट में इनरोल करना है अपने आपको। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, कहां पर मिलेगा, तो आपको सबसे पहले स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है CHS JNV कैपिटल। ये ऐप बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड करके भी रखा होगा, जो बच्चे हमारे कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड होंगे या फिर नहीं इनरोल्ड होंगे, यूट्यूब स्टूडेंट्स होंगे, सभी के लिए टेस्ट है, कोई भी आ सकता है इस टेस्ट में, बसरते आपको ये CHS JNV कैपिटल का ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे इस ऐप को डाउनलोड करोगे आपको कोर्स सेक्शन उसमें दिखेगा, उस कोर्स सेक्शन पर टैप करिएगा, आपको जो मैंने पोस्टर्स दिखाए इस तरीके के यही बैनर्स आपको दिखेंगे, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ ₹11 का पेमेंट करना होगा, वो रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए है, तो आपको ₹11 का पेमेंट करना होगा उस मॉक टेस्ट के लिए। आप जैसे ही ₹11 का पेमेंट करोगे आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करिएगा, उसके बाद आप इस टेस्ट में
अपने टेस्ट के लिए आ सकते हैं। हर दिन का जो मैंने शेड्यूल बताया आप शेड्यूल याद कर लीजिए, शाम 4 बजे यानी आप 3:45 तक पहुंच जाएंगे सेंटर पर, 3:30 तक भी पहुंच सकते हैं और आ करके अपना टेस्ट दीजिए। बसरते ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप CHSJNB कैपिटल अपने ऐप पर रजिस्टर करेंगे तभी इस टेस्ट को दे सकते हैं, इसलिए ऐप को डाउनलोड करिएगा, कोर सेक्शन में विजिट करिएगा। 11 रुपीज़ का सिर्फ पेमेंट होगा, उस पेमेंट को करने के बाद आप हमारे मॉक टेस्ट में आ सकते हैं। ये मॉक टेस्ट आप सभी के लिए बेहद ही लाभप्रद हो सकता है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले आपको अगर वैसा पेपर मिल जाए जो BHU में पूछा जाने वाला है, और ये भी संभावना है कि वो जो टेस्ट पेपर आपको मिलेगा उससे रिलेटेड या फिर उसी के जैसे ही एंड लगभग वही सवाल भी आपके मिल सकते हैं उस टेस्ट उस आपके एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए ये टेस्ट देने के बाद आपको फायदा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आप आकर के इसमें टेस्ट दें। जितने भी विद्यार्थी इसमें रजिस्टर करेंगे हम उनके अकॉर्डिंग अपना टेस्ट पेपर तैयार कर लेंगे और क्लासरूम की व्यवस्था उस तरीके से आपके लिए करा दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप टेस्ट देने आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लिए हैं और साथ में हमसे मिलने के लिए तैयार हैं इस मिलन समारोह में। तो फिलहाल बाबू इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमेशा की तरह से CHS स्टडी कैपिटल के साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। हमारा आशीर्वाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए हमेशा बना रहेगा और आपके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ जो आपके साथ आपको पेपर दिलाने आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।